हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है लक्ष्य स्टूडियोज। तो इस वीडियो में हम देखेंगे पेंसिल टूल। जो कि ब्रश टूल के नीचे लोकेटेड है। पेंसिल टूल अगर आप देखें तो लगभग ब्रश टूल के जैसा ही ये इफेक्ट आता है इसका। तो जैसे मैं यहाँ पे मूड नॉर्मल रख के अगर कोई स्ट्रोक ड्रॉ करूँ, जो फोरग्राउंड में कलर है वो कलर आएगा कुछ इस तरह से। सेम प्रॉपर्टीज़ हैं, स्मूदिंग लेवल, ओपेसिटी। अभी यहाँ पे एक बात है कि यहाँ पे अगर हम यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद ये देखिए हार्डनेस यहाँ पे ज़ीरो है। 100 करने के बाद भी हार्ड स्ट्रोक ही आएगा। इसको अंडू कर देता हूँ, ये देखिए। और अगर भले मैं यहाँ पे हार्डनेस इसकी ज़ीरो कर दूँ फिर भी ये हार्ड ही स्ट्रोक आएगा। तो पेंसिल टूल का यूज़ होता है अगर आपको हार्ड स्ट्रोक्स ड्रॉ करने हैं तो इसका आप यूज़ कर सकते हैं। अभी यहाँ से मैं सॉफ्ट कोई ब्रश सिलेक्ट कर देता हूँ फिर भी ये हार्ड ही आएगा। और मैं यहाँ पे स्मूदिंग लेवल जो वैल्यू है 100 करता हूँ फिर भी ये पूरी तरह से स्मूद नहीं होगा। अगर हम सेम प्रॉपर्टीज ब्रश टूल को देंगे तो वो ज़्यादा स्मूद होगा, यहाँ पे ये कम स्मूद होगा। तो फिर इसका यूज़ कहाँ पे करेंगे? तो मेरे ख्याल से इसका ज़्यादा यूज़ फैशन डिज़ाइनिंग में वगैरह, क्रोकीज डिज़ाइन करने के लिए, ड्रेस डिज़ाइनिंग के लिए, जहाँ पे हार्ड स्ट्रोक की ज़रूरत रहती है वहाँ पे ये हो सकता है। या पेंटिंग्स में जहाँ पे भी हार्ड स्ट्रोक्स की ज़रूरत है वहाँ पे ये यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये कंपलसरी यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हम हार्ड स्ट्रोक्स के ब्रश भी यूज़ करके वो चीज़ें हम बना सकते हैं। तो ऐसे नहीं कि इसका यूज़ करना ही है, फिर भी यहाँ पे ये ऑप्शन है पेंसिल टूल। और एक यहाँ पे आप ऑप्शन दे सकते हैं ऑटो इरेज। तो ये क्या है हम देख लेते हैं। जैसे कि मेरे फोरग्राउंड में अभी यहाँ पे कलर है रेड और बैकग्राउंड में यहाँ पे है लाइट ग्रीन। तो अगर मैं यहाँ पे कलर ड्रॉ करूँगा, ये स्मूदिंग लेवल मैं ज़ीरो कर देता हूँ, कलर कोई भी ड्रॉ कर दूंगा तो सिंपली जो फोरग्राउंड कलर है वो आएगा। लेकिन ये ऑप्शन ऑन रखने के बाद, ऑटो इरेज ऑन रखने के बाद, इसके ऊपर वापस मैं अगर ड्रॉ करूँगा तो जो बैकग्राउंड में कलर है वो आएगा। लेकिन अगर आप बाहर भी जाएंगे तभी भी वो कलर आएगा, ऐसे नहीं कि वो सिर्फ रेड कलर के ऊपर आएगा। वापस मैंने क्लिक छोड़ के ड्रॉ किया तो वापस रेड कलर, वापस क्लिक रिलीज किया वापस ड्रॉ किया तो ये कुछ इस तरह से ही आता जाएगा। अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूँ, सपोज मैंने यहाँ पे ब्लैक रखा, तो ये देखिए फर्स्ट तो जो रेड कलर है वो आएगा। और ये ऑप्शन ऑन रखने के बाद ऑटो इरेज, अगर आप बाद में यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये जो बैकग्राउंड में कलर है वो आएगा। क्लिक रिलीज करके वापस ये रेड, और वापस क्लिक रिलीज करके ये, और ये बाहर की ओर भी आएगा। तो ये पेंसिल टूल, मैंने इसका कभी ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, लेकिन अगर आपको हार्ड स्ट्रोक्स ड्रॉ करने के लिए कोई टूल चाहिए तो इसका यूज़ आप कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू व्हेन आई सी यू।